मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और एक कोच हूँ। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं, तो काफ़ी पेशेंट हमको ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि उनको सुबह जल्दी वो उठ जाते हैं और सुबह उठने के बाद में उनको बहुत ही खराब लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसा बहुत ही डाउन लगता है, फ्रेश नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि भाई रात की नींद नहीं हुई, मतलब रात को समझो जल्दी भी सो गए हो, रात को 10 बजे भी सो गए, 11 बजे सो गए, कितने बजे सो गए, रात को 7-8 घंटे नींद आने के बावजूद भी उनको सवेरे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अपनी नींद फ्रेश नहीं, और सवेरे बहुत ही अच्छा लगता नहीं, मतलब सवेरे डाउन लगना, डिप्रेस लगना, नर्वस लगना, सुबह रोना आना, और फिर जैसा जैसा दिन आगे आगे बढ़ते जाता है वैसा वैसा उनको अच्छा लगने लगता है धीरे 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 धीरे। सुबह तो उनको ऐसा लगता है कि भाई कभी कभी लोगों को वो ऐसे लोगों को कभी सुसाइड की भी आत्महत्या खुदकुशी करने के भी विचार आते हैं, तो ये एक टिपिकल है। अच्छा, ये लोगों को ऐसा नहीं कि रात को अच्छी नींद आएंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, रात को उनको नींद भी कभी कभी, मतलब कुछ कुछ लोगों को रात को नींद भी बहुत डिस्टर्ब रहती है, अच्छी नींद नहीं आती, शांत नींद नहीं आती, मतलब एक तो हो सकता है कि इनको शांत नींद नहीं आ रही, या फिर नींद कम हो रही है, 4-5 घंटे सिर्फ नींद आ रही है, या फिर जल्दी नींद लगती नहीं है, बेड के ऊपर बाएं तरफ दाहिने तरफ मतलब वो मतलब एक रेस्टलेस जैसे रहते हैं, और सुबह फिर जल्दी उठ जाना, फिर सवेरे सब लोग सोते रहते घर वाले, करना क्या मालूम नहीं, काम करने में इंटरेस्ट नहीं, ये क्लासिकल डिप्रेशन का लक्षण है। उसको हम बोलते हैं एंडोजेनस डिप्रेशन या अफेक्टिव डिसऑर्डर का डिप्रेशन। अफेक्टिव डिसऑर्डर उसको है और उसमें डिप्रेशन है कि क्लासिकल है, सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह ज़्यादा दुखी रहना, सुबह ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, और जैसा जैसा दिन आगे बढ़ते जाएगा शाम तक उनको अच्छा लगने लगता है। तो ये क्लासिकल डिप्रेशन जिसमें ब्रेन में जो एंडोक्राइन से या हार्मोनल लेवल से या कैटेकोलामिन से, मतलब जो भी केमिकल जो बैलेंसेस है, जो कि जो भी केमिकल हार्मोन्स है, वो उनका असंतुलन होना, जैसा सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाती है, डोपामिन लेवल्स कम हो जाती है, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स कम हो जाती है, और उससे फिर उनको सुबह अच्छा नहीं लगता। इसमें टिपिकल दवाई लेते हैं, गोलियां खाते हैं, एंटी डिप्रेशन गोली लेते हैं, तो 2-3 हफ्ते में इनको अच्छा लगने लगता है, और एकदम ही मतलब जैसा कुछ हुआ ही नहीं इस तरह का रहता है। तो आपके आजू बाजू में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ में है बेचारे, मालूम नहीं कि ये डिप्रेशन है, वो कोई पागल लोग नहीं है, मगर वो सुबह उनको अच्छा ही लगता नहीं, और ये इलाज उनका किया नहीं तो 6 महीने से लेकर 9 महीने, साल भर तक उनको ऐसा ही लगता है, फिर काम में मन नहीं लगना, फिर दिन भर में डाउन रहना, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता कम हो जाना, कभी कभी ये लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो आप जरूर ये लोगों को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, और हमको डिप्रेशन फ्री इंडिया करना है। ऐसा बोला जाता है कि हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा अभी आने वाले कुछ साल में। हमको डिप्रेशन फ्री इंडिया हम करते हैं कि निराशा वाला इंडिया है नहीं, जहाँ लोग संभावना की बात कर रहे हैं वो इंडिया, वो हमारा भारत देश। तो उसकी हम जब बात करें लोगों को, ये शेयर करो किसको कुछ ऐसा लगता है, तो उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और दवाई यदि वो लेते हैं तो डेफिनेटली 101% नहीं, 1001% वो अच्छा। और सुबह उठने से जब उनको अच्छा नहीं लगता है और सुबह ज़्यादा डाउन डिप्रेस लगता है, अभी इसमें हम यदि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसा कॉन्वर्जेशंस बातचीत करना, और जो कॉन्वर्जेशन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, कौन से कॉन्वर्जेशन, कि नहीं नहीं लोग अच्छे नहीं हैं, मैं बुरा हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हुए हैं, मैंने तो अच्छा नहीं किया, मैंने तो बहुत लोगों को दुख पहुँचाया है, मतलब ऐसा उसको गिल्ट फीलिंग बहुत रहता नहीं लोगों को, तो गिल्ट रहना, तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में विचारों का इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये लोगों से मतलब इनको दवाई से तो अच्छे हो जाएंगे जरूरी, सवाल ही नहीं, मगर इनसे यदि हम बातचीत करते हैं तो इनका जो अपसेट होना जो होता है, बार बार छोटी चीज़ के ऊपर अपसेट होना, डाउन रहना, तो उसके लिए हम कॉन्वर्जेशन से सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रोग्रामिंग करके, या उसके मतलब उससे उनसे ये लोगों के साथ में बातचीत करके, जो उनका जो बिलीफ सिस्टम है जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो यदि हम
ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओवेरियम बदलते हैं, तो इनको बहुत फायदा हो जाएगा। हमको इंडिया डिप्रेशन फ्री करना है। हर 4 लोगों के पीछे एक आदमी डिप्रेस हो जाएगा, ऐसा अभी कुछ जो रिसर्च है वो बता रहा है। यदि हम लोगों को ये मतलब इसके बारे में बता दें, आप जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो लोगों को, और लोग ये डिप्रेशन फ्री होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हमको जो हमारा जो सपना है कि डिप्रेशन फ्री इंडिया, वो जरूर साकार हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये डिप्रेशन फ्री इंडिया करने में अपना हाथ बटाओ। थैंक यू वेरी मच।